क्या हुआ महादेवी, ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं? अपने देवर्षि को देखकर हंसी आ रही है। ओ, क्या हुआ? बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए थे कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। कामदेव के जिस बाण ने भोलेनाथ को घायल कर दिया था उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, पर विश्व मोहिनी के नेत्रों के पहले ही बाण से हमारे देवर्षि धराशायी हो गए। सारे बड़े बड़े बोल धरे के धरे रह गए। महादेवी, अभी तो खेल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखिए क्या घटित होता है। परंतु हे कमलनयन, एक रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। विश्व मोहिनी तो वही वेदवती है ना जिस पर दुष्ट रावण की कुदृष्टि पड़ी थी और उसने उसका सतीत्व भंग करना चाहा था, ये कैसा रहस्य है? महादेवी, मैं आपको उस दिन का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूँ। रावण जो करना चाह रहा था वो कर नहीं सका, क्योंकि मैंने उसके अपवित्र निश्चय को विफल कर दिया था। महादेवी, वेदवती ने मुझे पुकारा था और मैंने स्वयं अग्निदेव को भेजकर उसकी सहायता की थी। नहीं, छोड़, छोड़, हे नारायण, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मेरे अस्तित्व की रक्षा करो नारायण। मैं सम्मान को कर जीवित नहीं रहना चाहती। इससे तो अच्छा है मैं अभी यही बस हो जाऊं। मार्ग में बाधा डालते रहते हैं, पर मैं भी रावण हूं, लंकापति रावण। जब तक मैं देवताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा मैं। महादेवी, यदि स्त्री में साहस हो तो वो मर सकती है, परंतु किसी पापी के समक्ष आत्मसमर्पण कदापि नहीं कर सकती। वेदवती ने भी यही किया। विश्व मोहिनी वेदवती का दूसरा जन्म है महादेवी। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि, बताइए। नारायण, शीलनगर के राजा शील निधि की सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि, कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना? आप तो काम को जीत चुके हैं ना। मुझे और लज्जित न कीजिए माते। सत्य तो ये है कि जब से मैंने विश्व मोहिनी को देखा है, मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों है देवर्षि? आप ही ने तो कहा भी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकांत, तो फिर जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए, भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्व मोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी बिकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए।
आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याण मस्तु। मुझे आज्ञा दी प्रभु। नारायण नारायण। कमल नयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं। उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। नारायण नारायण। हे नारायण, आपकी जय हो। आपने मेरा कल्याण कर दिया। मुझे ऐसा रूप दे दिया कि मैं सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ दिखाई दूंगा। कोई मेरे मुख से दृष्टि हटा ही नहीं सकेगा। नारायण नारायण। Oh, my God.
एक से बढ़कर एक बाके सजीले आए हुए हैं, किंतु किसी को देखकर लोग इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना मुझे देखकर हो रहे हैं। अवश्य ही मेरे नारायण ने मेरा कल्याण कर दिया है। अतिथिगण, आपने दूर दूर से शीलनगर पधारकर मेरा मान बढ़ाया है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने मुझ पर उपकार किया है, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, आयुष्मती दो। विश्वमोहिनी मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। नहीं नहीं, लगता है मैं स्वयं को ठीक से दिखा नहीं पाया। राजकुमारी, वानरराज तो आप ही को देख रहे हैं। इस बार लगता है सखियों ने बातों में उलझा लिया। कोई बात नहीं, मैं भी साहस नहीं छोड़ूंगा, एक बार फिर प्रयास करता हूं।
अचंभे की बात है, एक ही रूप के तीन तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। नहीं देवी, मैं वही हूँ, एक ही हूँ। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मैं ही तीन बार राजकुमारी के सम्मुख आने का प्रयास कर चुका हूँ। चौथी बार प्रयत्न मत करना, आपका सुंदर मुखड़ा तीन तीन बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। हरिहर, आहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए, मेरी तपस्या सफल हुई। हाँ देवी, तुम्हारे वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा ने मुझे तुम्हारे समीप आने पर विवश कर दिया है। आओ मुझ में समा जाओ। क्षणिक सफलता पर किया जिसने भी अभिमान, पछताएगा एक दिन, रहे सदा ये ध्यान। बड़ा बोल मत बोलिए, ईश्वर को ना भाए, हो न कहीं ये एक दिन सिर नीचा हो जाए, सिर नीचा हो जाए।